यार दोस्तों, महिला तूफान चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरी जितनी भी सखियां, सहेलियां, माताएं, बहनें वर्ष सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या का व्रत करती हैं, तो इस बार 2022 में वर्ष सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या का व्रत जो है एक ही दिन पर रहे हैं और सोमवार का भी व्रत है, तो इस दिन हमें कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए और कौन सी बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें तीनों व्रत का फल मिले और कहीं से भी हमसे कहीं भूल चूक ना रह जाए और हमारे घर की समृद्धि जो है, पति की आयु जो है, संतान की प्राप्ति है, इसके लिए वट सावित्री का व्रत रखा जाता है और सोमवती अमावस्या भी पति के लिए ही रखा जाता है, घर की सुख समृद्धि शांति के लिए, वृद्धि के लिए, संपन्नता के लिए, पति के विकास के लिए, आयु के लिए रखा जाता है। तो इसलिए ये जो व्रत है इसका संपूर्ण फल हमें कैसे मिले, तो आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पहली गलती है कि बिना फेरी दिए आप अपने मुख में फल जल ग्रहण ना करें, निर्जला व्रत रखें। पूजा के बाद ही आप दान करें और उसके बाद आप पानी पिए या फल खा सकती हैं। और भोजन तो अगर आप व्रत रख रही हैं तो उपवास ही रहें। सूर्यास्त से पहले एक समय आपको भोजन करना है, वो भी इस दिन सोमवती अमावस्या पड़ने के कारण आप जो है खीर पूरी नहीं खा सकती हैं, क्योंकि चावल का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए, वर्जित है। इसलिए आप चाहें तो पूरी के साथ गुड़ या कुछ और भी सेवई बना के खा सकती हैं। तो ये गलती आप करने से बचें, खीर इस दिन ना बनाएं और खाएं। तो थोड़ा सा आपको इस बात का खास ध्यान रखना है, इस गलती करने से आपको बचना है। पूजा के बाद ही, फेरी देने के बाद ही आपको ग्रहण करना है चाय पानी कुछ भी। इसलिए आप कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठे, व्रत का संकल्प लें और उसके बाद सूर्य देव को जल देने के उपरांत, घर में पूजा पाठ करने के उपरांत, या सबसे पहले आप वट सावित्री का पूजन करें, फेरी लगाएं, फिर आप घर में पूजन कर सकती हैं। तो इस तरह से अपनी पूजा पाठ संपन्न करने के उपरांत, दान दक्षिणा देने के उपरांत जो हैं आप जो हैं अपने मुख में चाय पानी पी सकती हैं, ले सकती हैं। तो इन बातों का आप खास ध्यान रखें। दूसरी गलती है कि जैसे जो सोमवती अमावस्या का व्रत भी रखती हैं या उस व्रत का भी लाभ उठाना चाहती हैं, तो पीपल वृक्ष ना मिले तो वो परिक्रमा कैसे करें। तो ऐसे में आपके घर अगर तुलसी है, तुलसी का पौधा है, तुलसी मैया है, तो आप तुलसी के फेरे भी 108 बार लगाकर अपनी पूजा संपन्न कर सकती हैं, क्योंकि तुलसी की जड़ में विष्णु भगवान का वास पाया जाता है, लक्ष्मी माता का भी वास पाया जाता है। ऐसे आप पीपल के वृक्ष में तो विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, सभी देवी देवताओं का निवास पाया जाता है, तो लेकिन नहीं मिलने पर आप तुलसी के भी फेरे पूजन करने के उपरांत जो है, तुलसी मैया की पूजा करने के बाद आप फेरे लगा के अपना जो व्रत का संपूर्ण लाभ है, अमावस्या व्रत का जो दिन है उसका आप सोमवती अमावस्या का लाभ उठा सकती हैं। तीसरी बात है कि व्रत में कोई भी दिन पर रहा हो तो आप कुछ चीज़ें, जैसे सोमवती अमावस्या है तो अमावस्या के दिन बहुत से लोग होते हैं जो हल्दी नमक नहीं छूते हैं, तेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, रुई का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इस दिन वट सावित्री का भी व्रत है तो वो क्या करें। तो ऐसे में है कि व्रत में कोई भी दिन पर रहा है, दो व्रत एक साथ हैं, तो वट सावित्री का जो व्रत आप करती हैं उसमें 16 श्रृंगार का नियम है, पूरा सज धज कर 16 श्रृंगार करने को उपरांत ही पूजा किया जाता है, यहाँ तक कि शादी का जो विवाह का चुनरी होता है उसे भी ओढ़ा जाता है, 16 श्रृंगार किया जाता है। तो ऐसे में आप कोई भी दिन पर रहा हो, दो व्रत एक साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 16 श्रृंगार करके ही वट सावित्री का व्रत पूरा करें, दान दक्षिणा देकर पूजा पाठ करके अपना मुख में चाय पानी पिएं, सूर्यास्त के पहले भोजन करें, इस तरह से अपना व्रत जो है आप पूरा करें। और सोमवती अमावस्या भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप हल्दी नमक भी छू सकती हैं और तेल और रुई का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अगर रुई का इस्तेमाल करने से आप बच सकती हैं तो बच जाएं, क्योंकि इसमें आप चाहें तो रुई के प्लेस पे, रुई के जगह पे आप जो रक्षा सूत्र या कलेवा जिसे कहते हैं उसके धागे से भी दिया
जला सकती हैं, घर में पूजा कर सकती हैं। तो इस तरह से दोनों कार्य जो है, दोनों व्रत आपका जो है सही से हो जाएगा। चौथी बात है कि इस दिन भूल कर भी ये गलती ना करें, इस दिन आप श्रृंगार की चीज़ें ज़रूर खरीदें। और श्रृंगार की चीज़ों में आपको बिछिया खरीदनी चाहिए, मंगलसूत्र भी खरीदना चाहिए, और चांदी का जो सिंदूर रखने वाला सिंदूरदानी होता है वो खरीदना चाहिए। अगर कुछ ना खरीद पाएँ तो श्रृंगार में सिंदूर और बिंदी आप ज़रूर खरीद लें, नहीं खरीदने की गलती ना करें। इस दिन सुहाग की चीज़ें आप खरीदती हैं, दान देती हैं, व्रत आप नहीं भी रखती हैं। बहुत सारे लोगों के घर में वट सावित्री का व्रत नहीं होता है, तो भी वो श्रृंगार की चीज़ें इस दिन खरीदें, उनके सुहाग के लिए, उनके सौभाग्य के लिए बहुत ही अच्छा शुभ माना जाएगा और रहेगा। क्योंकि ये दुर्लभ संयोग हो रहा है, इस दिन दो दो व्रत जो है पड़ रहे हैं, इसलिए आप सुहाग की चीज़ें खरीदना भूलें नहीं, ज़रूर खरीदें। अब है कि सोमवती अमावस्या की चीज़ें अगर आप पीपल के वृक्ष में चढ़ाती हैं और ना मिलने पर तुलसी के वृक्ष पौधे में ही चढ़ा देती हैं, तो उसका इस्तेमाल आपको खुद नहीं करना है, दान करना है। काला वस्त्र का भी सोमवती अमावस्या के दिन आप अवश्य दान करें। और अगर वट सावित्री का व्रत आप करती हैं तो वट सावित्री का व्रत में जो भी श्रृंगार की चीज़ें हैं उसका आप ब्राह्मण को दान दे सकती हैं, इससे अधिक फल प्राप्त होता है। और इस दिन आप चाहें तो ब्राह्मण को 5 प्रकार की सब्जी भी का दान कर सकती हैं। इसमें परवल बैंगन का दान अति उत्तम माना जाता है, 5 प्रकार की ऋतु फल का दान कर सकती हैं, 5 प्रकार के वस्त्र का दान कर सकती हैं। तो जितना भी दान करें, वट सावित्री व्रत का दिन है तो इससे भी आप पुण्य की भागी बनेंगी। और सोमवती अमावस्या में अगर आप पीपल के वृक्ष में कुछ चढ़ाती हैं तो उसका आप खुद इस्तेमाल ना करें, पूरा उसको दान में ही देना है। लेकिन अगर आप वट सावित्री व्रत की पूजा करती हैं, वट वृक्ष की पूजा करती हैं, तो उसमें से एक पंखा, दो पंखा ले, एक पंडित जी को दान दिया जाता है, खुद रखा जाता है। पहले वट वृक्ष की हवा करने के बाद अपने पति को हवा कराया जाता है, उससे ये नियम है। तो इस तरह से एक पंखा रखे, एक पंखा दान दें, और पंखे में रख कर ही दान की सारी सामग्री जो है ब्राह्मण को दान दे सकती हैं। तो इस तरह से दान करें। तो दोनों व्रत को आप अगर आप में यथाशक्ति है तो 108 बार पीपल के वृक्ष की भी इस दिन परिक्रमा कर सकती हैं, फेरी लगाने के बाद, वट वृक्ष की फेरी लगाने के बाद, विधिवत पूजा करने के बाद, और नहीं तो 11 और 7 बार भी कर सकती हैं, कहीं कुछ दिक्कत नहीं। लेकिन इस दिन जो माताएँ बहनें तुलसी मैया की फेरी लगा लेती हैं या पीपल वृक्ष की फेरी लगाती हैं, जो परिक्रमा कहते हैं, तो उससे उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। उनके घर से गरीबी तो हट ही जाता है, मिट जाता है। इसलिए ये कार्य आप भूल कर भी छोड़े ना, ये गलती ना करें कि आप परिक्रमा ना करें। परिक्रमा इस दिन आपको अवश्य करनी, यथाशक्ति करनी, 7 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार करती हैं तो अति उत्तम है। नेक्स्ट नियम है कि जो माताएं बहनें हैं या सखियां हैं, सहेलियां हैं, सुहागिन महिलाएं मेरी, तो उद्यापन भी कर सकती हैं। क्योंकि मान लेते हैं वो अब सक नहीं रही हैं, उनसे हो नहीं रही है, कोई बीमारी हो गई है बीच में, तो उद्यापन भी करके आप बैठा सकती हैं। तो ऐसे में आप इस दिन आप उद्यापन करना चाहती हैं तो ब्राह्मण जो पंडित हैं उनके हाथों से आप पूजा पाठ करवाएं, कथा सुनें, और उन्हें कपड़े में 5 कपड़े पंडिताइन के लिए अलग, साड़ी पंडित जी के लिए धोती पैजामा जो भी यथाशक्ति हैं आप 5 चीज़ें वस्त्र स्वरूप दान करें। ऋतु फल मत कहने का मतलब जो मौसमी फल हैं जो उपलब्ध हैं उनका 5 फलों का दान करें। श्रृंगार की चीज़ों का दान करें, दक्षिणा अवश्य दें, मुद्रा रूपी कुछ भी, दक्षिणा 101 जो भी यथाशक्ति है आप दें, इसे पंडित जी प्रसन्न हो जाएं। भोजन कराएं पंडित जी को, अगर भोजन नहीं करा पाती हैं तो आपको पंडिताइन जी का चरण स्पर्श करने के बाद दान देनी चाहिए, उनकी 7 बार परिक्रमा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। 5 सब्जियों का भी आप दान करें, और सीधा में अन्न का भी आप दान करें, परवल बैंगन का भी दान करें, 5 प्रकार की सब्जी का दान करें, तो सीधा दान करें जिससे वो अपने घर ले जाके भोजन बना के खा सके। इस तरह भी आप दान दक्षिणा देके उद्यापन कर सकती हैं। तो ये कार्य उद्यापन कैसे करते हैं, इस दिन ये गलती भी ना करें। अगर उद्यापन करना चाहती हैं तो विधि विधान से अच्छे से आप कर सकती हैं। नेक्स्ट नियम है कि बायना सास को दें। जैसे हम करवा चौथ व्रत में बायना सास को देते हैं तो इसमें भींगा चना, काला चना, जो भींगा के चना, फुलाया हुआ चना, और सुहाग की चीज़ें, जिसमें सुहाग की चीज़ें आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जो आपकी सास यूज करती हैं, साड़ी, सूती साड़ी पहनती है, कुछ भी, तो आप बायना जरूर सासु माँ को दें, क्योंकि वो आपके घर की बुजुर्ग हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको लेना। ये अखंड सौभाग्य का पर्व है तो सासु माँ को बायना दें, उन्हें प्रसन्न करें और उनका भी चरण स्पर्श करके आशीर्वाद अवश्य लें।
नियम या बातें या गलती के हैं कि सुबह आप फेरे लगाएं, जितना हो सके दोपहर से पहले आप फेरे लगाएं, और क्योंकि आपको इस दिन सोमवती अमावस्या का भी व्रत रखना है और वट सावित्री व्रत के भी बहुत सारे नियम है कि आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, इसलिए आप सुबह इस दिन फेरी लगाएं दोपहर से पहले। और कोई भी फेरी लगाएं, वट वृक्ष की फेरी लगाने के बाद, पूजा संपन्न करने के बाद, कोई भी मंदिर रास्ते में पड़े, अगर शिव मंदिर है तो आप शिव मंदिर में शिव पूजन अवश्य करें, क्योंकि यह सोमवार का दिन है, सोमवती अमावस्या का दिन है, तो शिव पूजा करने का आपको विशेष लाभ इस दिन मिलेगा। और शिव मंदिर में जब आप जल अर्पित करें तो उसका जो जल प्रवाहित होता है तो उसमें से थोड़ा सा जल लोटे में आप जो है रख लें, ले लें थोड़ा सा जल भगवान के चरणों का, और उसे अपने घर में छिड़काव करें, सभी के ललाट में लगाएं, बहुत ही शुभ माना जाता है शिव मंदिर से लाया गया जल। तो इस तरह से शिव पूजन आप करें, और रास्ते में जो भी मंदिर पड़ रहा हो उसकी पूजा आप अवश्य करें, उसे बिना पूजा किए उस मंदिर में आप घर ना आए, ये गलतियाँ बिल्कुल भी भूल कर ना करें, वरना आपको व्रत का संपूर्ण फल या फल नहीं प्राप्त होगा। नेक्स्ट गलती आप ना करें कि परिक्रमा में जल्दी जल्दी करने के चक्कर में आप एक दूसरे के पैर में ना चढ़ जाएं या टच ना हो, थोड़ा सा ध्यान रखें, धैर्य से आप अपना पूजा पाठ में ध्यान लगाएं और पूजा अपनी पूरी करें। और नेक्स्ट गलती नहीं करनी है कि वट सावित्री के दिन पत्ता तोड़े लेकिन टहनी मत तोड़े, क्योंकि इस दिन वट सावित्री का व्रत है, वट सावित्री वृक्ष की पूजा की जाती है, और ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो है भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का इस वृक्ष में वास माना जाता है, इसलिए इस दिन इस वृक्ष की किसी भी प्रकार की हानि आप ना पहुँचाएं। पत्ता तोड़ सकते हैं पंखे बनाने के लिए, या पत्ता भी आप एक दिन पहले तोड़ लें तो अच्छी बात है। अगली बात है कि जो महिलाएं या मेरी बहनें जो हैं प्रेग्नेंट हैं तो वो परिक्रमा ना करें, उनके लिए परिक्रमा करना अच्छा नहीं माना जाता है, तो आप परिक्रमा ना करें, पूजा व्रत रख सकती हैं। कि क्या आप इस साल व्रत उठा सकती हैं, तो हाँ इस साल आप व्रत उठा सकती हैं, लेकिन हाँ जिनके यहाँ पूर्वज पहले से करते आ रहे हैं व्रत, वही व्रत उठाएँ और करें, अपने से नया पूजा पाठ में आगे नहीं आना चाहिए, जो हमारे पूर्वज करते आए हैं, जो हमारे यहाँ होता है, अगर आपके यहाँ वट सावित्री का व्रत होता है तभी आप रखें, अन्यथा नहीं रखें, आपके यहाँ जैसे किया जाता है उसी तरह से आपको पूजा पाठ करनी चाहिए। ये व्रत आप ध्यान रखिए कि अगर मायके गई हैं तो मायके से भी उठा सकती हैं, कर सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो आप मायके से भी व्रत कर सकती हैं, सूट पहनकर भी व्रत कर सकती हैं, सर पे पल्लू रख के, दुपट्टा रख के, ऐसे जो हिंदू धर्म है उसमें व्रत त्यौहार में शादी विवाह में भी साड़ी पहनना अत्यधिक शुभ और अच्छा माना जाता है, तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। तो इसमें आपको मतलब ध्यान रखनी है कि अगर आप साड़ी पहने या सूट पहने तो सर पे आंचल पल्लू पूजा पाठ में जरूर रखें। नेक्स्ट गलती या नियम कहें कि छूटने पर भी क्या व्रत रख सकती है, तो हाँ बिल्कुल रख सकती हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, अगर व्रत किसी कारण बीमारी से छूट गया हो तो आप फिर से व्रत उठा सकती हैं, कर सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इस दिन भूलकर भी ये गलती ना करें कि सिंदूरा से आपको सिंदूर जरूर लगानी है, बहुत ही सिंदूरा को पवित्र माना जाता है, तो सिंदूरा से सिंदूर जरूर लगाएं, और अपनी पति के लिए कोई एक चीज़ रुमाल, कहीं कुछ नहीं मिलता है तो कहीं एक रुमाल भी आप खरीद कर या शर्ट पैंट जो भी वो पहनते हो एक चीज़ ज़रूर चढ़ानी चाहिए। और इस दिन आपको जो है वट वृक्ष की तो आप विधिवत पूजा करें, 108 बार फेरी लगाएं ही लगाएं, और ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान को उसमें वास पाया जाता है वट वृक्ष के दिन, इस दिन तो और भी उसका विशेष महत्व हो जाता है, और वट वृक्ष की जो लटे होती है उसमें सावित्री जी का वास पाया जाता है, ऐसा माना जाता है, लटों को माना जाता है, इसलिए इस दिन श्रृंगार भी किया जाता है वट वृक्ष से, तो वट वृक्ष के पत्ते जो होते हैं उसे अपने बालों में खोस कर श्रृंगार किया जाता है, तो इस दिन वट वृक्ष की पत्तों से श्रृंगार करना ना भूले, आप श्रृंगार अवश्य करें, ये श्रृंगार करना आपके जीवन के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है और आपके अखंड सौभाग्य को बढ़ाता है। एक विशेष गलती है कि वट वृक्ष की जब आप परिक्रमा करती हैं तो कच्चा सूत ना मिले, तो आपको भी पीला रील धागा से भी जो सुई धागा होता है उससे भी
आप जो है परिक्रमा कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपका जो धागा जो है वृक्ष पहले ही वट वृक्ष जहाँ पूजा होती है आप देख लें कि पांच बार परिक्रमा करें या सात बार, आपका धागा जो है वो कम नहीं पड़ना चाहिए। तो इस बात का भी आप, इस गलती का भी ध्यान रखें कि धागा आपका पूरा हो जाना चाहिए, चाहे कच्चा धागा हो या सुई धागा का रील धागा ही हो। और सोमवती अमावस्या भी इस दिन पड़ रहा है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि सोमवती अमावस्या के दिन आप जो है वट वृक्ष की पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं, तो उसके बाद जो है पीपल के वृक्ष में जल में कच्चा दूध मिलाकर अवश्य जो है और गुड़ मिलाकर आप जो है पीपल के वृक्ष को सिंचित करें, चढ़ाएं, अर्पित करें, और शाम में दिया, सरसों के तेल का दिया अवश्य जलाएं, उसमें बाती रुई का नहीं, आप रक्षा सूत्र का बाती बना के जलाएं सरसों के तेल में। और भोग में पूर्वजों के लिए ये चीज़ें किया जाता है, सोमवती अमावस्या को पूर्वज के लिए हम लोग करते हैं, तो उसमें भोग में बतासा दोंगा में आप जो है दो ही बतासा जरूर रखें। और अगर ऐसा संभव ना हो सके तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सरसों का दिया रक्षा सूत्र से ही बाती बनाकर आप दक्षिण की ओर मुख करके सड़क चौराहे पे भी अपने पूर्वजों के लिए मतलब आप दिया जरूर प्रज्वलित करें। तो इस तरह से आप सोमवती अमावस्या वट वृक्ष वट सावित्री व्रत का फल प्राप्त कर सकती हैं दोनों ही व्रत का। और सोमवार का दिन है तो शिव पूजन करके भी भगवान शंकर को भी इस दिन प्रसन्न कर सकती हैं, उनके चरण स्पर्श का जो भी बहता हुआ जल रहता है उसे अपने घर में लेकर आ सकती हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, मेरे चैनल बनाएं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।